जब जंगल का राजा शेर जंगल में दहाड़ता है तो पूरे जंगल के जानवर उसके दहाड़ से डर जाते हैं, क्योंकि जंगल के सभी जानवर को ये पता होता है कि ये शेर अगर शिकार करने आ गया तो हम सब बच नहीं पाएंगे। इसलिए शेर को जंगल का राजा कहते हैं, क्योंकि शेर किसी से डरता नहीं है, उसे जो चाहिए वो पाकर रहता है, वो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखता है, क्योंकि शेर के अंदर इतना ज्यादा हिम्मत होता है कि अगर झुंड में कई जानवर भी आ गए शेर से लड़ने तो वो डर कर भागेगा नहीं, बल्कि जीतने के लिए उन सभी जानवरों से लड़ेगा। पर वो शेर कभी हार नहीं मानेगा, क्योंकि उस शेर ने आज तक डरना नहीं सीखा है, हारना नहीं सीखा है, बल्कि लड़कर बस और बस जीतना सीखा है। तो दोस्त, आज हम क्यों अपने सपनों को पूरा करने से डर रहे हैं? आज हम क्यों अपनी खराब परिस्थितियों को बदलने के लिए कुछ कर नहीं रहे? क्या डर कर बैठने से हमारा सपना पूरा हो जाएगा? क्या हार मानकर अपनी किस्मत को कोसने से हमारा सपना पूरा हो जाएगा? क्या बस सोचने से, दूसरों को आगे बढ़ते देखने से हमारा सपना पूरा हो जाएगा? नहीं ना। अगर सच में तुम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो उस शेर की तरह तुम्हें अपने डर को खत्म करना होगा, उस शेर की तरह तुम्हें लड़ना होगा, उस शेर की भूख की तरह तुम अपने सपनों का शिकार करना होगा। क्योंकि अगर तुम अपनी जिंदगी में राज करना चाहते हो उस शेर की तरह तुम्हें हर एक चुनौती का डटकर सामना करना होगा। इसलिए उठो, लड़ो, पूरी हिम्मत से आगे बढ़ो और लगा दो अपनी पूरी ताकत उस मंजिल को पाने के लिए जिसके सपने तुम आज देखा करते हो। और भीड़ में भेड़ों की तरह भागो मत, बल्कि शेर की तरह अकेले चलना सीखो। अगर आगे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे तो अपना रास्ता खुद बनाओ, क्योंकि जो अपनी जिंदगी में अपने उसूल खुद बनाता है वह अपनी जिंदगी को शेर की तरह जी पाता है। हो सकता है आप कई बार हार चुके हो सकता है आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हो अपनी मंजिल को पाने के लिए, हो सकता है आप अपने सपने को पूरा करने के लिए काफी दिनों से मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको हर एक मोड़ पर नाकामयाबी के अलावा कुछ भी ना मिला हो। पर क्या ये सारी मुसीबतें अपने आप खत्म हो जाएगी? नहीं दोस्त, तुम्हें लड़ना होगा अपने परिस्थितियों को बदलने के लिए, तुम्हें लड़ना होगा अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, तुम्हें लड़ना होगा हर उस चीज के लिए जो तुम अपनी जिंदगी में पाना चाहते हो। क्योंकि एक शेर भी अपनी भूख को शांत करने के लिए लड़ता है, तो क्या हम अपनी जिंदगी को बदलने के लिए लड़ नहीं सकते? इसलिए अगर आज रुक गए हो, फिर से उठो और भागो। अगर भाग नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते तो रेंगो, पर रुकना मत, क्योंकि रुकने से आपको बस एक चीज मिलेगा और वो है पूरी जिंदगी के लिए अफसोस, पछतावा, रिग्रेट। और वो जिंदगी जिसे आप हर दिन कोसोगे, वो जिंदगी जिसे आप हर दिन नफरत करोगे। इसलिए अभी से उस शेर की तरह जिंदगी जीना सीख जाओ और उस शेर की तरह अपने सपनों का शिकार करो। जिस तरह शेर एक बार अपने शिकार के पीछे भागता है तो चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे पाकर रहता है। आखिरी में इतना ही कहना चाहूंगा, जीते वही है जो शेर होते हैं, बाकी तो मिट्टी के ढेर होते हैं। क्योंकि मुश्किलों के दौर में हर कोई बहाने की चादर ओढ़ लेता है, पर जो हारी हुई बाजी पलट देता है वही असली शेर होता है।